Hi, how are you? Today uh, I am going to discuss a particular clade of Kingdom Animalia, so and I also discuss Nematoda. So मैं आपसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करूँगा कि वट फाइलम ऑफ एनिमल फाउंड इन फ्रीजिंग पॉइंट इन आर्कटिक आइस आर्कटिक आइस में कौन से एनिमल रहते हैं जिनका ये मिसाल भी दिया गया है क्रायोनीमा वट फाइलम हैज मेम्बर्स दैट लिव इन सल्फाइड रिच मेरिन सेंडिमेंट्स वाट फाइलम हैज़ अ मेंबर दैट फाउंड इन द मिलीपीड्स गट मिलीपीड्स ये आर्थ्रोपोड्स हैं, इनके गट में भी वो रहते हैं और वाट फाइलम हैज़ अ मेंबर्स दैट फाउंड इन द प्लिन सेंटर ऑफ दिल है हमारे यहाँ कार्डेट से ताल्लुक रखता है तो इनके इस इनके प्लेसेंटा में भी ये पैरासाइट्स पाए जाते हैं तो वो कौन से हैं इन वाट फाइलम दट ओवर टू हंड्रेड अ फ्यू क्यूबिक मीटर ऑफ मेरीन मर्ड एक एक चंद जो है ना मेरीन मर्ड में उनके चंद सेंटीमीटर मर्ड में जो है ना तकरीबन दो से ज़्यादा स्पेशल रहते हैं वो कौन सा फाइलम है या वो कौन सा फाइलम है कि 90,000 थाउजेंड दे फाउंड इन द सिंगल रोटिंग एप्पल एक एक गले सड़े हुए एप्पल में 90,000 थाउजेंड से ज़्यादा जो है ना मेंबर्स पाए जाते हैं तो वो कौन सा फाइलम है और कौन सा फाइलम है जो डिकम्पोजर भी है प्रीडेटर भी है और जो है ना पैरासाइट भी है फ्री लिविंग भी है स्केंजीवर uh, भी है वो कौन सा है और वो कौन सा फाइलम है जिनके जो पैरासाइट्स जिनकी पैरासाइटिक नेचर है और वो सारे अदर एनिमल्स को किल करता है मीनस इनवर्टिब्रेट्स में भी ये पैरासाटाइजेशन का काज करता है और इसी तरीके से जो है ना वर्टिब्रेट में जो नहीं कामली फाउंड होते हैं तो ये सारे जो है ना मैंने जो फीचर्स आपको बताएं इनका यही आंसर है दैट द द आंसर्स टू ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन इज द फ़ाइलम नेमाटोडा कि फाइलम नेमाटोडा ऐसा नेमाटोडा है कि बिल्कुल फ्रीजिंग एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं रिच सल्फाइड मैरिने सेंडीमेट्स में भी रह सकते हैं रहते हैं और मिलीपीड्स के गट में स्पम वेल के प्लेसेंटा में मेरीन मर्ड में एक राटिंग एप्पल में 90,000 से ज्यादा काउंट किए गए हैं और इसी तरीके से सारे एनिमल्स में ये पैरासाइट्स पाए जाते हैं तो ये फ़ाइलम नेमाटोडा है ये सारी फीचर्स है नेमाटोडा की तो नेमाटोडा इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फाइलम टू डिस्कस फ्रॉम द जोलॉजिकल परसपेक्टिव एज वेल एज द फ्राम दैरासटोलॉजिकल लेट्स डिस्कस एक डायसोजोआ एक डायसोजोआ एक क्लेड है जैसे आपने लोफोट्रोकोजोआ के बारे में पढ़ा प्रीवियस लेक्चर्स में और प्लेकोजोआ के बारे में पढ़ा प्लेटोजोआ के बारे में बेसल फाइलम के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया तो इस लेक्चर में इस क्लेड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इस क्लेड में जितने भी फाइल हैं उनको डिस्कस करेंगे स्पेशली आज के लेक्चर में जो है हम जो है ना फाइल हम नेमाटोडा का इंट्रोडक्शन करेंगे तो नेमाटोडा इज जस्ट वन ऑफ द एट फाइल ऑफ द जुआ एग डाइसो में आठ फाइल हैं उनमें हमारे नेमाटोड भी शामिल हैं तो दूसरे कौन से नेमाटोमार्फा तो और लोरिसोफीरा काइनोरा प्राइप्यूलिडा आर्थ्रोपोडा टारडिग्रेडा और ओनकोफोरा ये जो है ना सारे इस क्लेड एक इसके में पाए जाते हैं और ये आठों फाइलम्स में फ़ाइलाज़ में एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्मिटी ये है कि ऑल पजेज लिविंग क्यूटिकल और ये क्यूटिकल जो है ना वक्त के साथ जैसे जैसे उनकी बॉडी बढ़ती है व्हेन इट्स बॉडी ग्रो ये शेड आउट करते हैं तो शेडिंग स्किन को शेड आउट करते हैं तो इस शेडिंग के वजह से जो है ना हम इनका एक का मोल्टिंग ऑफ क्यूटिकल इसका इस काल एक और इन सब आठ फाइला में जो है ना एक डायसो होती है और देर आर टू कैटेगरीज ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन एक एक सीडोसिलोमेट्स होते हैं और दूसरे सीलोमेट्स होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ओनिकोफोरा, ये हमारे सीलोमेट्स हैं बाकी फ़ाइलम नीमाटोडा फ़ाइलम नीमाफाल लोरिस कैनोराइका प्रायोपिलिडा ये सारे जो है ना सीडोसिलोमेट्स तो मीन्स इस क्लेड में कुछ सीडोसिलोमेट्स हैं कुछ सीलोमेट्स हैं और जो है ना एक्ट एज ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटिन और इनका काम जो है ना एक और भी है कि बॉडी की जो मूवमेंट होती है जो मूव करते हैं उनमें भी हे, हेल्प करते हैं और अक्सर अपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि भाई एक कैटेगरी फाइलोजेनेटिकली एक कैटेगरी रिकगनाइज है लेकिन फाइलोजेन सीडोसिलोम का फाइलोजेनी में इतना सिग्निफिकेंस नहीं है जितना जो ना क्यूटिकल का क्यूटिकल की सिग्निफिकेंस है तो फाइलोजेनी में हम क्यूटिकल को एक कैरेक्टर रिक्नाइज कर रहे हैं लेकिन सीडोसिलोम को थोड़ी सी कम अहमियत है नाउ लेट्स डिस्कस दिस एक सर ये एक क्लेडोग्राम है एनिमल्स की तो आल एनिमल्स ये प्रोटेस्टा से पैदा हुए है। हैं कुछ हमारे बैसल्स फाइला हैं और बेसल फाइला के बाद बार, के बाद के के हमने लोफोट्रोकोज़ोन के बारे में पढ़ा था और लोफोट्रोकोज़ोन में कुछ फ़ाइला थे जो हमने डिस्कस किए थे तो उनके बाद हमने अभी हम क्या कर रहे हैं ये डायसोज़ा तो एक, डायसोजा, एक, डायसोजा, एक डायसोजा की फाइलोजेनी देखें कि इसका ताल्लुक कुछ जो है ना किससे है लोफोट्रोफोट्रोकोजो से आप जानते हैं आपने अकेंफलान किस कैटेगरी में पढ़ा था लोफोट्रो ट्रोकोजोआ में पढ़ा था और अकेंफलान क्या है सीडोसिलोमेट तो सीडोसिलोम के कुछ में फाइलम जो है ना लोफोट्रोकोजोआंस में है और कुछ जो है ना इसमें है सो so इट इसका मतलब ये है कि बोथ हैव द क्लोजनेस और कुछ जो है ना सिलोमेट्स हैं तो ये सीलोम को शो करें आथ्रोपोर्स और हमारे जो अनिकोफोरा है और इसी तरह से टार्डिग्रेटा ही इसको करता है ये इसको तो इक्टाईसो में दो कैटेगरी कुछ सीडोसिलोमेट्स -सी हैं और सिलोमेट्स हैं और सिलोमे सीडोसिलोमेट्स -सी का ताल्लुक जो है ना पिछली कलेड्स जो है लो, लो से है और इसके बाद जो हम ये फाइल एक डायसोज़ा की सारे फाइल आर डिस्कस करेंगे तो लास्ट कैटेगरी हमारे क्लेड होगा वो जूटोस्टोमाह हैं और दूसरी अहम बात ये कि एक्टाइसोजो में प्रोटोस्टोम्स भी पाए जाते हैं और ये आप देख सकते हैं ये एक वर्म है जिसे हम गोर्डियन वर्म कहते हैं गोर्डियन वर्म का तालुक फाइलम नीमर, नीमर, नीमर तो से। डिस्कस फायलम या नीमा ए ग्रीक वर्ड थ्रेड लाइक कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म इनकी बॉडी जो है ना इनको अगर क्रॉस सेक्शन करेंगे इट्स अ राउंड सो वी कॉल राउंड आल्सो थ्रेड वर्म्स राउंड वर्म्स एन स्पेशलिटी ऑफ दिसलम इज दैट इट्स प्रिवल इन अलमोस्ट एवरी प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको कि दे आल्सो फाउंड इन हाई सल्फाइड मेरीन इन्वायरमेंट एंड दे आल्सो फाउंड इन राइटिंग एपल्स दे गड्स ऑफ द

आप काउंट करेंगे ऑलमोस्ट 90000 से ज्यादा जो है ना आपको उससे मिलेंगे यहां जिसने काउंट किया तो उनको 90000 से ज्यादा एक अप्रैल से एक सेव से मिला था तो एक एकड़ जमीन एक एकड़ में तकरीबन चार 4046 मीटर स्क्वायर्स होते हैं यहां फर्टाइल गार्डन सोइल के एक एकड़ में तकरीबन पांच बिलियन से ज्यादा नेमाटोड्स जो है ना रिकॉर्ड किए गए थे तो मींस एक तो स्पेशी के हवाले से बहुत ज्यादा हैं, दूसरे एबंडेंस के हवाले से कि इनके नंबर के, के हवाले से, जो, और आज से वैसे जो है ना और ऑलमोस्ट आज से तकरीबन वैसे रिकॉर्डेड स्पेशीज जो है ना पचास हजार के करीब हैं, और आ, लेकिन कहा जाता है कि ये पांच लाख से ज्यादा इनकी स्पेशीज हैं ये एस्टीमेट है, ये रिकॉर्डेड नहीं है एस्टीमेट्स हैं राउंड वर्म्स फीड ऑन एवरीबलिक्लातेमें आपको कीड़े नजर आते हैं वो भी कीड़े जो है ना ये हमारे नीमा टोट होते हैं और साइज के हवाले से सम आर वेरी मच माइक्रोस्कोपिक और समल मीटर लॉन्ग बच्चों अक्सर आपने जो छोटे बच्चे हैं जो मट्टी में का जो खेलते हैं तो रात को जो है ना उनको खुजली होती है तो खुजली करने में एस्केरिस का रोल है जो ये दिखाई गई है ना एस्केरिस ये मेल और फीमेल एकस, ये मेल और ये बड़ी जो है ना फीमेल है ये एस्केरिस है तो ये भी जो है ना तो आम आ, या, बच, बच्चों की पुटीज को देखेंगे तो उसमें फिशेज को देखेंगे उसमें आपको व्हाइट व्हाइट कीड़े नजर आएंगे तो ये हमारे क्या है आर नीमा टोट्स तो नीमा आर फाउंड एवरीवेयर नाउ so

सॉइल को को रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं उनको फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं उनके बॉटम में पाए जाते हैं कुछ नीमाटोड्स बायो कंट्रोल मीन अक्सर जो है बायो कंट्रोल उसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल टू कंट्रोल वन आर्गनिज्म विद एनदर आर्गनिज्म तो उसमें भी एक बहुत कामयाबी के कामयाब इस्तेमाल हुए हैं और इसी तरीके से ज मैनी ह्यूमन डिजीज निम्स बहुत ज़्यादा ह्यूमन डिजीज भी काज करते हैं इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एलिफेंटिया ये मसल्स में पाए जाते हैं अपने ट्रैक्योरासिस के बारे में सुना होगा एस्करस के बारे में सुना होगा एलिफेंटिया एलिफेंटियासिस के बारे में सुना होगा वो चेरा बेनक्रिफ्टी के बारे में सुना होगा एनसाइक्लोसटोमा के बारे में सुना होगा दिए इनसाइक्लोसटोमा या टेपम के बारे में या टीना सोलिनम टीना सजनेटा के बारे में या, या सुना सुनागे ये सारे हमारे नेमाटोड्स हैं या लोलो वम्स जो आ, आ, आ रिवर ब्लाइंडनेस काज करते हैं तो वो भी इससे ताल्लुक़ रखते हैं हमारे फाइलम नेमाटोड्स तो फाइलम नेमाटोड्स की हर लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत है Now let's discuss the main feature of this one. They are triploblastic, means they have three Uh, Germin layers ectoderm, endoderm, mesoderm, bilateral means having the two sides of body and vermiform. vermiforms come is having this long shape and cylinder type shape, thin and long shape structure. They are unsegmented and they have the pseudocilum. So they are pseudocoelomate. Second is the body is round bound. अगर क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो यह क्रास सेक्शन बनेगा और इस क्रास सेक्शन में आपको ये क्यूटिकल नजर आ रही है क्यूटिकल के नीचे यू विल फाइंड एपिडर्मिस ओके और यह क्यूटिकल जो है ना पेराडिकली कॉलिजेनियस क्यूटिकल है और पेराडिकली ये शेड आउट होती है जैसे जैसे इनका जोवीनाइल बच्चा बढ़ता है ग्रोथ करता है तो ये क्यूटिकल शेड आउट होती है तो इस शेडिंग को हम मोल्टिंग या एक डाइसिस कहते हैं तो ये इनमें मोल्टिंग और एक डाइसिस होती है कंप्लीट डाइजेस्ट टू ट्रेक ओके फ्रॉम हेयर ये आपको बकल कैविटी नजर आ रही है बकल कैविटीज देखें ये फेरें ओके okay? ये सारे जो है ना इंटेस्टाइन से लेकर ये नीचे ये हैव द कंप्लीट यहाँ तक यहाँ इन, इन रीजन है तो इनमें कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम देख लुक एट दिस इन सेम वे और इनके माउथ रीजन के जो लिप्स होते हैं किसी नेमाटोड्स में लिप्स होते हैं किसी में नहीं होते तो ये डिपेंड अपॉन दी डिफरेंट फैमिली ऑफ जो, जो नेमाटोड्स पे डिपेंड करते जिसमें लिप्स होते हैं या नहीं होते तो उनमें छोटे से सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं तो मीन्स दीज लिप्स बेयर सेंसरी स्ट्रक्चर एंड दे आल्सो हैव एक्सक्रीट अ यूनिक एक्सक्रीट सिस्टम उनमें वन आर टू रिनेट सेल्स पाए जाते हैं रिनेट सेल और रिनेट केना एक्सक्रीट केनाल ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये आपके जो है ना रिनेट केनाल से ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं बॉडी वाल लैंग्वेज मसल्स उनकी, इनमें सर्कुलर नहीं होती, they have the only longitudinal तो ये इनके। टैक्सोनॉमी ऑफ नीमाटोड इज सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस स्टडी बहुत डिसएग्रीमेंट है बहुत जो है ना साइंटिस्ट या नीमाटोलॉजिस्ट के बीच में जो है ना इनके बारे में डिबेटेड इवन मार्फॉलोजिकल फीचर्स और मालिकुलर जो स्टडीज़ हैं उनमें बहुत कंट्रोडक्शंस हैं तो मार्फॉलोजिकल बुनियादों पे ऊपर दिस फायलम इज डिवाइडेड इंट टू क्लासेस एंड एक क्लास का नाम क्या है क्लास सेसन एंड सेकेंड इस क्लास एडिनो फोरी तो ये दो क्लास रिकनाइज हैं लेक्चर को इस ये दो तीन बार लेक्चर सुनकर आपको इनके आंसर्स देने हैं थैंक यू वेरी मच और कोई सवाल है तो आप नीचे जो है ना कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू